हरियाणा में सबसे बड़ा उलटफेर सोनीपत जिले में हो रहा है। सोनीपत जिला भूपिंदर हुड्डा का सबसे मजबूत गढ़ है, लेकिन इसी मजबूत गढ़ में उनके पैर उखड़ रहे हैं, क्योंकि सोनीपत जिले की 6 सीटें फंस गई हैं और भूपिंदर हुड्डा के लिए एक भी सीट निकालना बेहद मुश्किल हो गया है। जी हां, गन्नौर के बाद बड़ौदा सीट के ऊपर भी निर्दलीय प्रत्याशी के जीतने के आसार बन गए हैं। वहां पर डॉक्टर कपूर नरवाल को जनता का जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि वहां के हालात साफ तौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ नजर आ रहे हैं। बड़ौदा में आज बेहद खास घटना हुई और इस घटना का कपूर नरवाल को बम्पर फायदा हुआ। ये घटना क्या थी, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। डॉक्टर कपूर नरवाल को टिकट नहीं देकर भूपिंदर हुड्डा ने सबसे बड़ी गलती की है। भूपिंदर हुड्डा ने कपूर नरवाल के बारे में यह सोच लिया कि अगर ये इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ेगा तो 2-4 हजार वोट लेकर वो दफन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सियासत में अपनी फजीयत कराएगा। लेकिन हो गया इसके उलट और भूपिंदर हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए अब पछताने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसकी वजह है डॉक्टर कपूर नरवाल को बड़ौदा में मिल रहा जबरदस्त जन समर्थन। डॉक्टर कपूर नरवाल आज अपने हलके के आखिरी गांव के दौरे पर गए। डॉक्टर कपूर नरवाल का भैंसवाल का आज का दौरा सबसे खास दौरा था, क्योंकि उनके ननिहाल में हजारों लोगों ने उसका स्वागत किया, उनका स्पेशल भात भरा गया और नानके ने अपने भांजे की, अपने बाही की लाज रखने का वचन दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि भैंसवाल से डॉक्टर कपूर नरवाल को भारी मतों से जितवाने का काम करेंगे। यानी आखिरी गांव में और नानके में दोनों ही तरह से डॉक्टर कपूर नरवाल को जबरदस्त रिस्पांस मिला। इससे पहले पिछले 20 दिन में यही रिस्पांस हर जगह देखने को मिला। यानी डॉक्टर कपूर नरवाल का ये चुनाव आम जनता का चुनाव बन गया है और उनकी आज की आखिरी अपने नानके की वो जनसंपर्क की जो जनसभा थी वो तूफानी रैली में बदल गई। वहाँ पर हजारों लोगों की मौजूदगी रही। आप खुद ही देखिए कि डॉक्टर कपूर नरवाल अपने नानके में किस गाजे बाजे के साथ, किस धूम धड़ाके के साथ पहुंचे और उनकी जनसभा में कितनी बड़ी संख्या में लोगों की हाजिरी थी। आपने देख लिया होगा कि डॉक्टर कपूर नरवाल को आज जबरदस्त जनसमर्थन मिला है और इस जनसमर्थन के कारण ही डॉक्टर कपूर नरवाल का चुनाव शिखर पर पहुंच गया है। उनकी जीत के झंडे बुलंद हो गए हैं, उनका दावा सबसे मजबूत हो गया है और विरोधी पार्टियों में से कांग्रेस के प्रत्याशी इंदु राज नरवाल भालू के होश उड़ गए हैं और वहीं पर बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप सांगवान का चुनाव बिल्कुल लुढ़क गया है। उनको भारी नुकसान हो रहा है, उनकी चर्चा बंद हो गई है, उनके पाले से वोटर धड़ाधड़ खिसक कर डॉक्टर कपूर नरवाल की साइड में जा रहे हैं। यानी चुनाव एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है और जो दीपेंद्र हुड्डा 3 दिन पहले कह रहे थे कि डॉक्टर कपूर नरवाल विश्वास के लायक ना पहले थे, ना आज हैं, ना आगे रहेंगे, उनको हम टिकट कैसे देते, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के आरोपों का जवाब अब बड़ौदा की जनता खुद दे रही है। बड़ौदा की जनता कपूर नरवाल का इलेक्शन खुद लड़ रही है, बड़ौदा की जनता डॉक्टर कपूर नरवाल के इलेक्शन को खुद चला रही है और डॉक्टर कपूर नरवाल को जीत की परचम की तरफ आगे बढ़ने का काम कर रही है। यानी डॉक्टर कपूर नरवाल की जनसभा और उनका चुनाव प्रचार दोनों ही चकाचक रहे हैं और वो हर मामले में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों पर भारी पड़े हैं, क्योंकि उनके साथ
हर गांव का जन समर्थन चल रहा है, उनको 95% गांव में जोरदार बढ़त मिल रही है, यानी उनका चुनाव बिल्कुल झमाझम है और उनको राम गांव का साथ मिल रहा है। और यही वजह है कि डॉक्टर कपूर नरवाल इस चुनाव में एक बड़ा उलटफेर करने का काम करेंगे। बड़ौदा के चुनावी महादंगल के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। बड़ौदा में डॉक्टर कपूर नरवाल के जीतने के कितने चांसेस हैं ये भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। डॉक्टर कपूर नरवाल कितने वोटों से जीतेंगे ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। इंदुराज नरवाल भालू और प्रदीप सांगवान को कितने वोट मिलेंगे ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।